हिंदुस्तान में जब मुगल सत्ता धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी, तब कुछ महान राजपूत राजाओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस विरोध की शुरुआत हुई थी महाराणा सांगा के द्वारा। बाद में इन्हीं राणा सांगा के पोते महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया था। अब राणा सांगा और प्रताप की कहानी तो सबको पता है, लेकिन सांगा के बेटे और प्रताप के पिता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राणा उदय सिंह ने मुगलों के सामने कुल 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन इन लड़ाइयों में कुछ ऐसा हुआ कि आज भी कई लोग उन्हें गद्दार कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस दावे को सच नहीं मानते। तो फिर सच क्या है? राणा उदय सिंह अपनी दोनों लड़ाइयों में क्यों नहीं शामिल थे? आज इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी शुरू होती है 4 अगस्त 1522 से, जब चित्तौड़गढ़ के राजघराने में राणा उदय सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राणा सांगा था और माता का नाम था कर्णावती। ये वही राणा सांगा थे जिन्होंने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी थी। राणा सांगा की स्टोरी को मैंने कवर किया है, आप इस लिंक पर जाकर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो इस कहानी में आगे बढ़े तो राणा उदय सिंह के 3 और भाई थे, भोजराज, विक्रमादित्य और रतन सिंह। जब 1527 में राणा सांगा की मौत हुई तो रतन सिंह को राणा बनाया गया, लेकिन 4 साल बाद ही रतन सिंह की मौत हो गई। इसके बाद दूसरे भाई विक्रमादित्य को राणा बनाया गया। राणा विक्रमादित्य तब सिर्फ 15 साल के थे। उन्हें राजकाज से ज्यादा मजा दूसरे कामों में आता था। वो कुश्ती में ही अपने दिन बिता दिया करते थे। इसके साथ ही वो अपने वफादारों और मंत्रियों की इज्जत करना तो दूर, दरबार में उनकी बेइज्जती कर दिया करते थे। इस वजह से सब उनसे नाराज थे। राणा ने सेना का भी ख्याल नहीं रखा था, जिसकी वजह से सेना में भी बगावत के सुर भरने लगे थे। इस समय राणा उदय सिंह मात्र 12 साल के थे, और इसी कमजोर मौके पर साल 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। अब आपको याद दिला देता हूँ, ये वही लड़ाई है जिसके लिए रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी मेवाड़ की रक्षा के लिए। हालांकि हुमायूं वक्त पर पहुंच नहीं पाया और रानी कर्णावती ने जौहर कर दिया। इस तरह से 13 साल की उम्र में राणा उदय सिंह ने अपनी माँ को भी खो दिया। हालांकि आगे हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा कर दोबारा मेवाड़ का शासन चित्तौड़ पर करवा देता है, लेकिन इस बार राणा विक्रमादित्य को कोई भी राजा बनाने को तैयार नहीं था। फिर सबने तय किया कि राणा सांगा के दासी पुत्र बनवीर को राजा बनाया जाए, लेकिन बनवीर बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे लगा कि राणा उदय सिंह के बड़े होते ही गद्दी उससे छीन ली जाएगी, इसलिए उसने प्लान किया महाराणा उदय सिंह को मारने का। जब रानी कर्णावती की मृत्यु हुई तो उदय सिंह को दायमा बन्ना पाल रही थी। यहीं पर वो वाली कहानी आती है, जब बनवीर राणा को मारने दायमा बन्ना के पास आया तो उससे पहले ही उन्होंने एक भरोसेमंद आदमी के साथ राणा उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया, और उदय सिंह की जान को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे चंदन की आहूति दे दी। फिर इस कहानी में ऐसा होता है कि धायमा भटकते भटकते कुंभलगढ़ पहुंची, यहाँ पर उन्हें शरण दी गई। इसके बाद साल 1540 में उदय सिंह को चित्तौड़ का महाराणा घोषित किया गया। लेकिन उदय सिंह के सामने दिक्कतें कम नहीं थी। साल 1544 में शेरशाह सूरी ने सम्मेल की लड़ाई में मालदेव को हराकर मारवाड़ पर भी हमला कर दिया। इस टाइम पर राणा उदय सिंह मेवाड़ के गृह युद्ध में उलझे हुए थे और शेरशाह से लड़ाई करने जितनी ताकत उनमें नहीं थी, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ को इस शर्त पर शेरशाह को सौंप दिया कि वो चित्तौड़ के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेरशाह ने भी उनकी शर्त को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि लड़ाई ज़्यादा महंगी पड़ेगी। इस बीच उदय सिंह को लगा कि चित्तौड़ सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने मेवाड़ की कैपिटल को सेफ जगह पर ट्रांसफर करने की सोची। साल 1559 में उन्होंने मेवाड़ के गिरवा भाग में काम शुरू कराया, और इसी साल उन्होंने एक बड़ी झील बनवाई जो 1562 में बनकर तैयार हुई। फिर राणा सिंह ने उसका नाम रखा उदयपुर। साल 1562 में उदय सिंह ने मालवा सल्तनत के आखिरी राजा बाज बहादुर को शरण दी। इनके राज्य को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर इसके 5 साल बाद 1567 में राणा उदय सिंह को अपने बेटे शक्ति सिंह से पता चला कि अकबर चित्तौड़ पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। खबर मिलते ही राणा ने युद्ध परिषद बुलाई। इस मीटिंग में तय हुआ कि राणा उदय सिंह किले में नहीं रहेंगे, बल्कि उनके वफादार जयमल और पत्ता को किले की जिम्मेदारी दे दी गई। इधर 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ के निकट अपना पड़ाव डाला। उधर किले की जिम्मेदारी देकर उदय सिंह गोगुंदा के किले में चले गए। कई महीनों की घेराबंदी के बाद आखिरकार फरवरी 1568 को अकबर ने किले पर कब्जा कर लिया। खैर, चित्तौड़ के मुगलों से हार जाने के बाद उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर में ट्रांसफर कर ली। 4 साल बाद 1572 को उनकी मौत गोगुंदा के किले में हो गई। इसके बाद महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली और जीवन भर अकबर से लड़ाई लड़ते रहे स्वाधीनता के लिए।
अब दोस्तों शेरशाह सूरी से समझौते और अकबर से लड़ाई के वक्त मैदान छोड़ने की वजह से कई लोग उदय सिंह को गद्दार और डरपोक कहते हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? तो देखिए, जब शेरशाह सूरी को उन्होंने चित्तौड़ सौंपा था तो उसके पीछे उनकी मंशा साफ थी कि चित्तौड़ के लोग सेफ रहें। राणा उस वक्त राज्य की अंदरूनी कलह से निपट रहे थे, इसलिए अगर वो लड़ाई लड़ते तो हार तय थी, और इस हार के बाद न सिर्फ उनके राज्य का फ्यूचर खराब होता बल्कि उनकी प्रजा पर भी शेरशाह की सेना जुल्म करती। लेकिन अपनी समझदारी से उदय सिंह ने ऐसा नहीं होने दिया। अब अगर हम दूसरी लड़ाई पर आए जिसमें अकबर ने कत्लेआम मचा दिया था, तो राणा उदय सिंह उस वक्त किले में नहीं थे। इसमें सोचने वाली बात यह है कि राणा अगर डरपोक होते तो वो बाकी राजपूत राजाओं की तरह पहले ही अकबर के सामने सरेंडर कर देते, लेकिन उन्होंने अपनी जगह को छोड़ना कभी भी ठीक नहीं समझा। लेकिन जब लड़ाई का मौका आया तब उन्होंने किले को एक सोची समझी रणनीति के तहत छोड़ा। असल में पहले ऐसा होता था कि राजपूत राजा किले के भीतर से लड़ाई लड़ते थे और किले की रक्षा करते करते शहीद हो जाते थे। इस वजह से दुश्मन ने अगर किले की घेराबंदी कर ली तो मजबूरी में एक दिन या तो सरेंडर करना है या फिर अंतिम युद्ध यानी साका करना पड़ता था। इस तरह से राजपूत स्ट्रेटजिकली बैकफुट पर होते थे। इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत उदय सिंह ने किले को छोड़ दिया ताकि लड़ाई को बाहर से जारी रखा जा सके। इसी वजह से महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह की मौत के बाद भी सरेंडर करने की बजाय अपनी लड़ाई जारी रख पाए। अब आप तय करके बताइए कि आपको क्या लगता है, उदय सिंह एक डरपोक राजा थे या फिर बहुत समझदार राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा को भी बचाया और अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी भी बनाई? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।